है ना। तो जो उपकरण होते हैं किसी भी क्वाइल किसी भी परिपथ में, क्या दो सिरे होते हैं, होते हैं कि नहीं? मतलब जैसे कि कोई तार की अपने छल्ला बनाया, ठीक है ना, क्वाइल, ठीक है, तो इसके दो सिरे होते हैं, कम से कम दो सिरे, तीन तो नहीं होते ना। तो क्या होता है कि अगर इसको सिंगल फेस से जोड़ना है, जैसे कि अपना लैंप भी है, क्या लैंप को अगर अपन सिंगल फेस से जोड़ेंगे तो इसके दो पॉइंट रहते हैं ना, एक में न्यूट्रल लगा दो, एक में फेस लगा दो, तो ये तो होगा सिंगल फेस के कनेक्शन। लेकिन जहां पे तीन फेस प्रणाली है, मतलब आर वाई और बी, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू, मतलब तीनों फेसों को पहचान के लिए अलग अलग रंग निर्धारित करें, है ना, आर वाई पी, रेड येलो और ब्लू, तीन रंगों के, मतलब आपने तीन फेस की केबल देखी है ना, उनमें तीन कलर के तार होते हैं, लाल, पीला और नीला, वो किस लिए, ताकि अलग अलग फेसों की तारों की पहचान हो सके, क्योंकि एक फेस दूसरे पे, मान लो अगर अपन ने क्या करना है, तीन दो फेस तीन फेस सिस्टम में किन्हीं दो उपकरणों को जोड़ना है ना, और अपन ने आर फेस के साथ वाई फेस जोड़ दिया आर, तो ये क्या है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए उनके कलर अलग अलग रखते हैं, ताकि वो पहचान आ सके कि यार लाल वाला लाल फेस, इसको लाल में ही जोड़ना है, पीला वाला पीले की जगह पे, तो अब क्या है, सिंगल फेस के अंदर कम से कम दो पॉइंट होते हैं, तो एक में फेस जोड़ दो, एक में न्यूट्रल जोड़ दो, उपकरण काम करने लगता है। लेकिन जो तीन फेस के उपकरण होते हैं उनमें तीन क्वाइल होते हैं, तो तीन क्वाइल में कितने पॉइंट हुए, छह पॉइंट हुए ना, है ना, तो छह पॉइंटों को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि सपोज ये कोई क्वाइल है, ठीक है ना, और एक क्वाइल है और एक क्वाइल है, मान लो कि ये मोटर की क्वाइल है, तो अब इसमें क्या छह पॉइंट हुए और अपने पास फेस है तीन, कैसे जोड़ेंगे सर, वो जोड़ना भी ऐसे है कि विद्युत धारा, भाई इसमें अपन ये जोड़ते हैं तो इधर से विद्युत आती है और इधर से निर्मित हो जाती है, तो मतलब ये बहती है, अब इसके अंदर जोड़ना है, मान लो ये किसी मोटर के कनेक्शन है, तो फिर कैसे जोड़ेंगे, तार तो तीन है सर, वो रेड में मतलब रेड तीन तार जोड़ेंगे, चलो रेड, चलो रेड, रेड में रेड का जोड़ दिया, लेकिन ये तीन है और ये छह है, फिर कैसे, अगर ये तीन होते तो अपन एक में एक जोड़ देते, फिर आसान रहता, मतलब इसमें से अगर मान लो तीन तार निकले होते तो अपन सीधा सीधा हिसाब जोड़ दो, सर ये क्वाइल है ना, उनको तीनों को एक एक तार जोड़ देते, उसके बाद तीन फेस में जोड़ देते, तो उसको दो तरीके से जोड़ देंगे, क्या एक होता है स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन कैसा होता है, ये है आपकी एक क्वाइल, ठीक था, इसकी ये दो सिरे, ठीक, एक मान लो ये क्वाइल, इसके भी ये दो सिरे, ये है ना, और एक ये क्वाइल, इसके भी दो सिरे, तीन क्वाइल हो गई, तीनों के दो दो सिरे, ठीक, मान लो ये किसी मोटर के अंदर ही है ना, छह सिरे, तो अपन क्या करेंगे, इन क्वाइलों के एक एक सिरे को तो यहाँ ज्वाइंट करते हैं, आपस में जोड़ दिया, ठीक है, अब बचे अपने तीन सिरे, तो तीन सिरे, एक को आर से जोड़ दिया, एक को वाई से जोड़ दिया, एक को बी से जोड़ दिया, ठीक, अब ये क्या है, इसके अंदर आर आर फेस की धारा बहेगी, इसमें वाई फेस और इसमें बी फेस, क्योंकि इसके बीच में एक लंबी क्वाइल है, मतलब एक लोड है, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और इस पॉइंट के ऊपर जाके धारा शून्य हो जाएगी, इसे न्यूट्रल करते, मोटर में ऐसे ही कनेक्शन होते हैं या ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही होते हैं,
उसमें क्वाइल तीन रहती है, तीन क्वाइल के छह सिरे, तो छह सिरों में एक एक सिरे को तो आपने जोड़ दिया, तीन ही के एक एक सिरे को जोड़ दिया, और एक एक सिरों के अंदर हमने एक एक फेस जोड़ दिया, हो गई चालू मोटा। दूसरा तरीका एक और है, उसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। वो कैसे, डेल्टा में क्या होता है, ये मान लो एक क्वाइल है ना, ये दूसरी क्वाइल और ये तीसरी क्वाइल, ये आपने बता सर बहुकली, बहुकली प्रणाली के कनेक्शन के तरीके, सिंगल फेज में तो अपन दो तार कहीं भी जोड़ के ले जाए, यानी अभी आपने बताया बहुकली के, हाँ ये पॉली फेज सिस्टम, मतलब यहाँ तीन फेज उपलब्ध है तभी तो करेंगे तीन चारों, भाई एक फेज पे तो ये काम ही नहीं करेंगे ना, ये तीन फेज के लिए। तो ऐसे ही एक कनेक्शन का प्रकार ये हो गया स्टार, मतलब ये सितारे जैसा दिखता है, तारे जैसा, मतलब स्टार कनेक्शन कहते हैं, जिसमें तीनों क्वाइलों का एक पॉइंट कॉमन कर दिया और जो बाकी के तीन पॉइंट बचे उनमें तीन फेज जोड़ दिए अलग अलग, ठीक। और डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं अपन, आर वाई इनके आपस में सिरों को जोड़ देते हैं, क्वाइल ऐसे डेल्टा, ऐसे डेल्टा है ना, अब कितने ये आपस में एक जुड़ गए सब, अब अपन क्या करते हैं, इसको आर से जोड़ देंगे, इसको वाई से और इसको बी से, मतलब इसमें आर फेस की धारा इधर और इधर बहेगी, इस तरफ से y फेस की धारा जाएगी इस तरफ से b, ये कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं होता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसके अंदर स्टार में कॉमन पॉइंट होता है, मोटरों के अंदर इसी टाइप से कनेक्शन किए जाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, और ट्रांसफार्मर में भी तीन क्वाइल होती है, तीनों के कनेक्शन ऐसे ही करे जाएंगे। तो ये है दो तरीके मोटरों के कनेक्शन के, तीन फेज के मोटर ट्रांसफार्मर या कोई भी उपकरण हो तीन फेज का, उनकी क्वाइलों के अंदरूनी कनेक्शन है। और फायदा डेल्टा का, इनके फायदे नुकसान भी अभी अपन जिक्र करते हैं दोनों के, है ना, ठीक। देखो डेल्टा कनेक्शन का उपयोग वहां किया जाता है यहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ये है इस संयोजन में तीनों को एक जगह जोड़ा तो ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया, यहाँ पे धारा शून्य हो गई, इसमें कितनी करंट आए, इसमें कितनी करंट आए, इतने कितनी करंट आए, लेकिन यहाँ पे है ना तीनों धाराओं का मान बिल्कुल शून्य हो जाता, मतलब ये पॉइंट न्यूट्रल कहलाता है ना। तो स्टार कनेक्शन वहां उपयोग किया जाता है जहां अपन को न्यूट्रल की जरूरत। आपने ट्रांसफार्मर देखा जो गांव में रखा रहता है, देखा उसमें जो तार आते हैं बड़ी लाइन से वो तीन आते हैं और निकलते चार है, है ना, तो आए ये तीन और निकलते चार है ये न्यूट्रल। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता कि तीन फेस पे तो मोटर चला लोगे आप और घर की लाइट पंखे वगैरह न्यूट्रल और कोई सा एक फेस लेके चला लोगे, ये स्टार स्टार का। लेकिन जहां पर अपन को न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, क्या यहां पर अपन को न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये जनरली अपने जो बीपी बोलते हो ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो 11 केवी से 440 वोल्ट के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ये कनेक्शन उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें 440 में क्या तीन तार आर वाई बी प्लस एक न्यूट्रल निकलता है, 440 के मोटर वगैरह चलती है और न्यूट्रल जैसे कि आपने 11 केवी दे रखा है, ये ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, वो आगे है चैप्टर, एक स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करने वाले, एक वोल्टेज को बढ़ाने वाले। तो जनरली जो अपने खेतों में जो रखी रहती है ना डीपी, वो
11 केवी उसका इनपुट होता है और आउटपुट 440 वोल्ट होता है, क्योंकि अपन को खेत में और घर में इस वोल्टेज की जरूरत है, इसकी नहीं है ना ये, क्योंकि 440 क्यों, क्योंकि तीन फेस और एक न्यूट्रल अपन को चाहिए ही चाहिए भाई। तीन फेस काहे के लिए, मोटर चलाने के लिए, और एक न्यूट्रल क्या कि इसमें से कोई एक फेस घरों की लाइट चलाने के लिए, इसलिए अपन 11 to 440 रखते हैं। ये है ना 33 से 440 भी हो सकता है, होता है, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन उपलब्ध है क्या, मतलब ये 33 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 11 ही रहे, लेकिन ये क्या है कि आपके क्षेत्र में कौन से वोल्टेज की लाइन उपलब्ध है, और चाहिए तो अपन को 440 ही, मतलब उपयोग में तो यही आएगा, ना तो अपन 33 ना तो 33 को उपयोग कर सकते हैं ना 440 को। अच्छा दूसरी तरफ ये डेल्टा कनेक्शन, सुनो लो बेड़ा, तो ये तो हो गया स्टार कनेक्शन, अच्छी तरह समझ में आ गया किस जगह उपयोग होता है। यहाँ 440 वोल्ट न्यूट्रल के साथ चाहिए अपन, ठीक, मतलब जनरली अपने कंज्यूमर एंड पे, अपने खेतों पे, अपने उद्योगों में, यहाँ पे की मोटरें भी चलाना है, लाइटिंग लोड भी चलाना, पंखे भी चलाना है, कूलर भी चलाना, मतलब सिंगल फेस का भी उपयोग करना है, थ्री फेस का भी उपयोग करना, वहां पे स्टार कनेक्शन का उपयोग होगा। अब बचा डेल्टा, आपने देखा होगा कि जो बड़ी लाइन होती है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए 33 केवी की लाइन, 33 केवी की लाइन के ऊपर 11 केवी कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक, ये दोनों वोल्टेज अपन उपयोग नहीं करते, ये सिर्फ ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ट्रांसमिशन मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं, 11 केवी पे काम करने वाली कोई मोटर नहीं होती अपने पास, अपने पास 440 वोल्ट पे काम करने वाली, तो ऐसी परिस्थिति में डेल्टा कनेक्शन उपयोग किया जाता है, मतलब अपन को यहाँ न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तीन फेस अंदर जाएंगे और तीन ही ट्रांसफार्मर में से निकलेंगे, जबकि अपने खेतों वाले ट्रांसफार्मर में तीन घुसते हैं चार निकलते हैं, लेकिन इसमें तीन ही जाएंगे तीन ही बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं, नहीं पड़ी बल्ले। जनरली क्या होता है कि जो जनरेशन होता है ना, थोड़ा सा मैं बता दूं, हालांकि कोर्स का नहीं है आपके, जनरेशन जो होता है ना, जनरेशन वोल्टेज होता है, जनरेटर जो बनाता है ना बिजली, वो 11 केवी बनाता है ना, जनरेशन वोल्टेज 11 केवी, 33 केवी और 66 केवी है, क्या ये जनरेशन वोल्टेज है, लेकिन जनरेशन इसमें करने के बाद इस वोल्टेज, ये तो बन गया था, यहाँ बिजली बनती है वहां, ठीक, अब इसको ले जाना है वहां जहाँ उपयोग होनी है, तो वो सैकड़ों किलोमीटर दूर होती है, पावर प्लांट जैसे कि कुनासा में ही है यहाँ पे पास में सबसे, तो वो भी यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, अब ये वोल्टेज तो वहां बन गया, तो इसको बनाने के बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, उसमें सप्लाई दी जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, मतलब ये जनरेशन यहाँ हुआ 11 केवी का, ठीक, तीन तार निकले, ये तीन तार एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में गए, ताकि यहाँ पे इसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वोल्टेज बढ़ा के इसको 400 केवी कर दिया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है, ज्यादा स्पीड में अगर किसी चीज को इधर से उधर ले जाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, आपको पतला तार उपयोग में आएगा, ठीक है ना, और खर्चे कम पड़ते हैं, इसलिए इस वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। अब ये 440 वोल्ट की लाइन कहाँ पहुंचाई जाती है, अपने ग्रिड तक, है ना, मेन ग्रिड तक, वहां पे फिर इसको डाउन करके फिर वापस 33 केवी, है ना, 33 किलो वोल्ट, और फिर इसके बाद 11 किलो वोल्ट, और उसके बाद 440 वोल्ट, जो कि अपन को जरूरी है, ये ग्रिड तक आती है, ये बड़ी लाइन में कहते हैं ना, वो 400 केवी जो बड़ी लाइन टावरों में चलती है,
यही होती है, ये सिर्फ ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होती है ना। और उच्च वोल्टेज इसलिए उपयोग करते हैं कि इसको ले जाना सस्ता पड़ता है, लॉस कम होते हैं इसमें, और फिर उसके बाद अपने सब स्टेशन पे लाके उससे कम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के कम करते करते अपने उपयोग तक की लागत बना लेते। आई कुछ थोड़ी बहुत पूरी आ गई, पूरी तो नहीं आती है ना, है पूरी तो वो परीक्षक बात ही आई। तो ये स्टार और डेल्टा है कौन, राहुल दांगी, अच्छा वो कंधा सूज गया था उस भैया, वो बेचारा आराम कर, आज देवता उठा रहा होगा। बैठो बैठो। तो ठीक है, ये दो कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। चलो आगे थोड़ा सा, अब संतुलित तथा असंतुलित तीन कलीय परिपथ, परसों बताया था आए हो जो लोग, कैसा रहता है संतुलित और असंतुलित, क्यों हमारा संतुलित किसे कहेंगे और असंतुलित किसे कहेंगे, गई पिघल गई। ये 440 वोल्ट अपन ने बना लिया आर वाई बी, अब इसके ऊपर अपन क्या मोटरें लगाएंगे। हाँ सर ठीक। तो उद्योगों में क्या होता है कि कुछ तो मोटरें होती है, लाइट भी जलती है, पंखे भी चलते हैं, कूलर भी चलते हैं, मतलब सभी तरह की सिंगल फेज का भी उपयोग होता है, थ्री का भी उपयोग होता है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं जहाँ थ्री का उपयोग होता है वहाँ तीन तारों से कनेक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, ले लिया ए? और जहाँ सिंगल फेज का उपयोग होता है वहां पे अपन एक न्यूट्रल और कोई सा भी एक फेज जो जो भी चाहो वाई फेज ले लो। सिंगल संतुलित क्या है, अगर इन तीनों फेसों के अंदर बराबर करंट धारा बराबर धारा मतलब लोड लोड क्या कहते हैं बराबर नहीं नहीं लोड संयोजित मतलब हिंदी लोड कनेक्ट करने के बाद मतलब लोड का मतलब मोटर बल्ब पंखे जितने विद्युत उपकरण संयोजित करने के बाद जोड़ने के बाद अगर इन तीनों तारों के अंदर मान लो कि 25 एम्पीयर 25 एम्पीयर 25 एम्पीयर धारा बह रही है मतलब ये संतुलित है ना। और अगर इसमें धारा मान लो इसमें 25 इसमें 26 इसमें 40 बह रही है तो ये असंतुलित है। ऐसी परिस्थिति में असंतुलित परिस्थिति में अपन को क्या करना पड़ता है, ऐसा उपयोग करना पड़ता है कि इस फेस के ऊपर जो अधिक भार है उसको इन दो फेसों पे विभाजित कर दिया जाए ताकि ये संतुलित रहे। साधारण शब्दों में ये होता है संतुलन। मैंने बताया भी था कि जब मोटर वाला मोटर भरता है ना और अपन लेने जाते हैं वो चालू करके दिखाता है तो तीन तार रहते हैं, तीनों तारों में वो एक ऐसा मीटर लगाता है देखा किसी ने, यूं देखता है तीनों तारों में, क्या देखता है वो, ये देखता है कि जब मोटर चल रही है तो तीनों तार बराबर करंट ले रहे हैं, तीनों फेसों में जो करंट जा रहा है वो बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। अगर बराबर जा रहा है तो मोटर संतुलित है अच्छी स्थिति में। असंतुलित स्थिति में क्या होता है कि एक तार से करंट ज्यादा जाता है एक से कम जाता है तो मोटर गर्म होने लगती है, एक बेल छोटा गाड़ी भी और एक बेल बड़ा तो फिर वह गाड़ी ऊंची नीची चलेगी नहीं है ना। तो दोनों बेल की जोड़ जब रखते थे तो बराबर रखते थे ताकि है ना बराबरी से चले। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि तीनों तारों के अंदर अगर धारा बराबर है तो जितने भी उपकरण उससे कनेक्ट हैं वो आसानी के साथ चलेंगे, गर्म नहीं होंगे, उनमें हानि नहीं होगी।
ये है सिंपल भाषा में संतुलित और असंतुलित, बाकी आप कर लेना अध्ययन और संघर्ष गुंजाइश हो तो मेरे से बिल्कुल पूछना। अब है तीन कली प्रणाली में शक्ति मापन। विद्युत धारा में तीन चीज बताई थी मैंने, एक तो करंट, वोल्टेज और एक वाट। कितने 100 वाट का बल्ब क्या होता है? 100 वाट का बल्ब ले जाना है तो वो 100 वाट होता क्या है? सभी परिचित है करंट से, क्या होता है करंट? वो है ना शक्ति मापन की इकाई है वाटेज, है ना, किसी भी उपकरण की विद्युत खपत करने की क्षमता है ना वो वाटेज होती है। तो तीन फेज प्रणाली में भी, सिंगल फेज में भी अपन सिंगल फेज में तो 100 वाट का बल्ब, ऐसे ही ये मोटरें जो होती है ना इनके भी वाटेज होते हैं। जैसे जनरली मोटर अपन उपयोग करते हैं, अरे चुप हो रहे, 3 HP ये कहते हैं 3 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 7 की या 10 की, जो भी। ये हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर की उसकी शक्ति ही है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नहीं आया था तो एक हॉर्स पावर तो 3 हॉर्स पावर बराबर मतलब 746 × 3 है ना। तो HP जैसे HP भी ये भी अपन की है, सिंगल फेज में अपन उसे वाट की थी, थ्री फेज में उसे हॉर्स पावर की थी। हाँ जो भी है मतलब उससे गुणा करके जितने भी हॉर्स पावर की मोटर है उसका वाटेज निकाला जा सकता है। तो ये वाटेज क्या हो गई? खपत। तो थ्री फेज में भी अपन को कुछ ना कुछ खपत तो होती है बिजली की, मोटरें भी खपत करती है ना। तो उसमें शक्ति का मापन कैसे करते हो, है ना? करंट का मापन तो अपन अमीटर लगा के कर लेते हैं, एमीटर होता है जो करंट को मापता है। वोल्टेज का मापन अपन एक वोल्ट मीटर लगा के करते हैं, वोल्टेज को मापता है। इसी तरह शक्ति के मापन के लिए वाट मीटर होता है, वाट मीटर। अपने घरों में भी जो मीटर लगा रहता है ना, वो किलो वाट आवर मीटर को लगा रहता है, यूनिट बताता है ना। वो भी शक्ति, वो भी खपत को ही आकलित करता है क्या, वो भी खपत अपने घर में कितनी लाइट या लाइट जा रही है। तो ये शक्ति का मापन अपन वाट मीटर से करते हैं। बात कर लूं, दिन भर ही बात होती रही, कर लूं सबसे बात लगा लगा के
तो क्या हुआ? हाँ। तो अब क्या है, चूंकि क्या है कि अपन ने मान लो जैसे मैंने बताया ना स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन मतलब इसमें आर वाई और बी तीनों फेस जा रहे हैं। अब इसमें जब अपन शक्ति का मापन करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंगल में तो क्या है एक फेस और एक न्यूट्रल रहता है, इनके बीच में वाट मीटर लगा के अपन शक्ति का मापन कर लेते हैं। ठीक, वाट मीटर के अंदर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों रहती है, मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का संयोजन रहता है, करंट और वोल्टेज के मापन से शक्ति का अनुमान माप करता है। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर अपन एक फेस का शक्ति मापन करना है तो एक फेस पे वाट मीटर लगाते हैं, दो फेस का करना है तो दो फेस पे, तीन फेस का करना है तीनों फेस पे वाट मीटर लगा के कि तीनों फेस कितनी कितनी विद्युत खपत कर रहे हैं। नहीं पड़े बल्ले देखो किसी भी चालक में जब धारा बहती है ना, तो और वो किसी उपकरण में जाती है, मान लो ये कूलर में जा रही है ना, और ये दूसरा न्यूट्रल, तो ये कुछ ना कुछ बिजली की खपत तो कर रहा है, बिजली खा रहा है और काम कर रहा है कूलर। ठीक, तो इस खपत का आकलन एक वाट मीटर नाम का उपकरण होता है। वाट मतलब खपत को नापने वाला मीटर है ना, चक्कियों में और कुओं पे भी लगा रहता है, जो व्यवस्थित रूप से लगाते हैं ना, ऐसे तो नहीं लेता लेकिन कहीं ग्रिड पे जाने का मौका लगे तो वहां पर वाट मीटर लगा रहता है। वो क्या है, इनकी खपत का आकलन करता है। तीन तरह के मीटर जनरली लगे रहते हैं, चार तरह के, कौन कौन से? एक तो करंट नापने वाला ए मीटर है ना, एक वोल्टेज नापने वाला वोल्ट मीटर, ये विद्युत धारा की मात्रा, ये विद्युत धारा की दर, और एक वाट मीटर, और एक फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, मतलब ये परिपथ में जो बह रही है ये एक साइकिल होती है, एक एक चक्र, मतलब इससे अपने यहाँ जो बिजली होती है वो 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड की रहती है। 50 बार मतलब एक सेकंड में 50 बार साइकिल चेंज करती है, 50 बार पॉजिटिव चलेगी, 50 बार दूसरी दिशा में है ना। तो इसमें है ना ये चार तरह के मीटर लगे रहते हैं, इसको एक जो फ्रीक्वेंसी मीटर रहता है, और ये वाट खपत वाला मीटर, सिंगल फेज के अंदर एक वाट मीटर से काम चल जाता है क्योंकि एक तार से करंट प्रवाहित होता है। भाई एक ही तार में होता है ना सिंगल फेज, दूसरा तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन थ्री फेज के अंदर तीनों तारों में करंट रहता है, आर में भी रहता, वाई में भी रहता, वी में भी रहता, तो वहां पे फिर तीन वाट मीटर लगा के उसकी शक्ति का आकलन किया जाता है कि प्रत्येक फेस कितनी विद्युत की खपत कर रहा है। नहीं आई अभी तो ये चार तार पहुंचे अपने पास आ गए, आते हैं ना यही आते हैं डीपी से, आपके जो गांव में डीपी बोलते हैं उससे यही आते हैं ना, है ना। अब अपन ने क्या करा, अपनी मान लो तीन मोटर है, वो तो अपन ने तीन फेस पे लगा दी है ना, तीनों फेस पे लगा दी, लेकिन घर की जो लाइटिंग लोड है वो अपन एक फेस को ही सही ले लिया, ये ले लो इस पे और इस पे लगाते हैं। तो अब क्या हुआ, सारा उपकरण चालू हो गया, तब क्या होता है डीपी के ऊपर के इन तीनों तारों के अंदर अलग अलग, क्योंकि किसी ने मान लो बी पे ज्यादा लगे हैं या वाई पे ज्यादा लगे, उस अनुपात में इसमें अलग अलग धारा बहेगी,
बराबर तो भेज नहीं सकते है ना, क्योंकि मैंने मान लो बी बी फेस और न्यूट्रल से कनेक्शन करा, दूसरे के घर में आर फेस और न्यूट्रल से कनेक्शन है, उसके घर में ज्यादा लोड है या मेरे घर में ज्यादा है, तो इनमें धारा भी अलग अलग रहेगी। जितने खपत के उपकरण लगे होंगे, जितनी खपत के उपकरण लगे होंगे उस हिसाब से तारों में धारा बहेगी। धारा कब बहती है? खपत के हिसाब से। किसी भी परिपथ में धारा कब बहती है? जब दूसरे सिरे पे लगे उपकरण उसकी खपत करते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो धारा नहीं बहेगी। क्या किसी भी, जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही है तो ही इससे लगे हुए तारों में करंट दिखेगा। अगर ये बंद है तो करंट वाला तार भले ही वहां से लाइन चालू है और ये बंद है तो आपको करंट नहीं दिखेगा उसमें बहता हुआ, है ना। तो ये अलग अलग तारों के अंदर अलग अलग धारा दिखेगी, है ना, और अलग अलग तारों के ऊपर अलग अलग भार संयोजित होने से क्या होगा कि अलग अलग तार में शक्ति भी अलग अलग, खपत भी अलग अलग होगी। किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है, सब एक जैसा तो है नहीं। पूछ के तो करते नहीं कि यार मैं लाल तार से जोड़ रहा हूँ, तू भी लाल से जोड़ रहा, ऐसा कोई करता नहीं करता। तो जो दिन चार यार ये फेस अच्छा आ रहा है, इससे और इससे न्यूट्रल से टांगो, यही करते हैं ना अपन। यार ऊपर वाला फेस कमजोर है, बीच वाले में टांगो, बीच का कमजोर है तो नीचे में टांगो, जहाँ मन को वोल्टेज अच्छा मिलता है वहां टांग लेते हैं। तो हर आदमी अलग अलग करता है, कोई किसी का ऐसा नहीं कि मैंने बीच पे टांगा तो दूसरा उससे दूसरे पे टांगे, तो ये भार असंतुलित हो जाता है, हो ही जाएगा। तो किसी ने वाई वाई पे टांग रखे हैं, किसी ने बी बी पे टांग रखे हैं, तो भार अलग अलग होने से ही क्या होगा, इनके अंदर बहने वाली धारा भी अलग अलग रहेगी। किसी में 10 एम्पियर बह रहा है, किसी में 20 एम्पियर बह रहा है, किसी में 12 एम्पियर बह रहा है, जिसपे जितना लोड जितने उपकरण जिसपे लगे, है ना। तो असंतुलित होने से इनमें धारा अलग अलग बहेगी, जब धारा अलग अलग बहेगी तो हर फेस की शक्ति भी अलग अलग होगी। तो इनकी शक्ति मापन के लिए हर फेस पे अलग अलग वाट मीटर लगा के अपन खपत का आकलन करते हैं कि आर फेस कितनी खपत कर रहा, वाई फेस कितनी खपत कर रहा और बी फेस कितनी खपत कर रहा। बीपी जलने का मुख्य कारण ये असंतुलित लोड होता है, है ना। बीपी की क्षमता है मान लो 20 पावर पे, सबसे पहली बात तो अपन उस पे जोड़ देते हैं अच्छी तरह 100 पावर, मतलब एक खेत पे एक कनेक्शन में 4 मोटर चलाते हैं, जनरली यही होता है ना। वो घरों में भी क्या यही होता है, 1000 का कनेक्शन है और पता पड़ा 1000 का तो हीटर ही चल रहा बाकी सब अलग, तो ये क्या हुआ, इस ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा लोड हो गया, तो वो क्या करते हैं गर्म होकर जल जाते हैं। असंतुलित होने की वजह से ये जल जाते हैं, इसलिए इन तारों में अलग अलग फेसों के ऊपर अलग अलग वाट मीटर लगा के शक्ति मापन करते हैं। और जिस और अगर मान लो भार क्षमता से ज्यादा हो रहा तो आपकी ये डीपी पे तो नहीं, लेकिन ग्रिड में ऐसी व्यवस्था होती रिले लगी रहती है, अगर ज्यादा ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा भार हुआ तो वो लाइन ट्रिप हो जाती है ना, वो बंद कर देते हैं। और कुछ पल्ले, अब है कला अनुक्रम मीटर। कला, कला का मतलब कोई फेस, एक कला मतलब सिंगल फेस, दो कला मतलब दो फेस, तो खम्बर तो क्या ही है तो भाई कला अनुक्रम इलेक्ट्रिकली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अपन सब उपयोग करते हैं, बाकी जानते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं, बस उसका उपयोग कर रहा है। ये तो बहुत देखो कला का मतलब फेस, अनुक्रम फेस का मतलब वही आर वाई और ये हो गई तीन कलाएं,
इनका एक निश्चित अनुक्रम रहता है क्या? सबसे पहला आर होगा, उसके बाद में वाई होगा, उसके बाद में बी होगा। वाई हमेशा बीच में रखा जाता है। ट्रांसफार्मर से जैसे डीपी जो होती है ना, उससे भी जो तीन पॉइंट निकलते हैं ना, ये तो ये आर फिर वाई। कभी ऐसा नहीं होता क्या यहाँ पे वाई हो गया या बी हो गया या आर हो गया? ऐसा नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है? कलाओं का अनुक्रम, कलाओं का अनुक्रम, फेसों का अनुक्रम, सीरियल सीक्वेंस, फेसों का सीक्वेंस। मतलब पहले आर फिर वाई फिर बी, और अपन जहां भी इसको उपयोग करें इसी सीक्वेंस में उपयोग करना चाहिए। विद्युत उपकरणों पे पहले आर लगाना चाहिए, फिर वाई और फिर बी। मतलब ऐसा नहीं कि हर कहीं पहले पीला जोड़ दिया फिर नीला दिया, तो भी सबसे पहले लाल लगाओ फिर पीला लगाओ फिर नीला। और ये सीक्वेंस है ना, वहां से यहाँ पे जनरेशन होता है ना, वहां से अपने यहाँ तक एक समान रहता है। अगर अपन इनको अलग अलग कर देंगे ना, तो क्या होता है, लघु परिपथ दो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। क्या रहता है, मान लो अपन ने किसी उपकरण के अंदर कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब जैसे कोई किसी पोल से अपने ऊपर बिजली आ रही है, दो डीपी रखी है, एक इधर रखी है, इधर, और दोनों से कनेक्शन है पूरे गांव में, तो क्या होगा? नहीं नहीं ये जैसे कह रहे हैं यहाँ पे अपने इस तरफ से तीन फेस आ रहे हैं आर वाई और बी, दूसरी तरफ से एक दूसरी डीसी से आर वाई बी आ रहे हैं। अब क्या है, मान लो दोनों से ही अपने घर में कनेक्शन है, ठीक, इधर से भी है इधर से भी है, ठीक। तो अपन को क्या करना रहता है कि आर हर उपकरण को अनुक्रम में जोड़ना पड़ता है आर वाई बी। अगर अपन उनको अनुक्रम बदल दे, मान लो क्या है कि ये कोई उपकरण है और इसमें इधर से सप्लाई जा रही है, और अगर अनुक्रम इसमें क्या है दूसरी ओर से भी R Y B तीनों जो फेस होते हैं ना, अगर मान लो इसका R इसके B से जुड़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपने देखा होगा तीन तार जो रहते हैं ना आपस में टकरा जाए तो स्पार्क करते हैं, इसीलिए है ना फेस अनुक्रम का ध्यान हर उपकरण में रखा जाता है, जनरेशन से लगा के अपने माता। अब आ गई नींद है ना, बस यही है, इतना ही है, फेस अनुक्रम के बाद खत्म, कहीं नहीं है वो। हाँ वही तो, फिर आप भले ही आराम से कर लेंगे, अभी तो घंटा टाइम पड़ेगा। तो आगे क्या, सेल बैटरी है।